हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। पुरानिक डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है रूमावाली। ये घोड़बंदर थाने में बना हुआ है। कुछ बिल्डिंग इसमें से बन चुका है और कुछ अभी बनने को जा रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और शायद कुछ ये लॉन्च भी करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे जो इनका जमीन है वो काफी बड़ा लैंड एरिया है इनका, जो ये डेवलप कर रहे हैं घोड़बंदर में। तो आज इसी पुरानिक रूमावाली के बारे में जानेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं विकास वरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। आपको डिटेल बताऊं उसके पहले मैं दिखाता हूं यहां पे किस टाइप का फ्लैट बना हुआ है और कहां लोकेटेड है, किस टाइप का एमिनिटीज है, जिमनासियम, क्लब हाउस कैसा बना हुआ है, वो सब पहले मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, कि वहाँ पे जाके जो हमने वीडियो शूट किया है। उसके बाद फिर मैं प्राइजिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन कहाँ पे कितने प्राइस में आएगा, क्या इसका डिस्काउंट ऑफर है, वो सब कुछ मैं बात करूँगा। हमारा गिफ्ट वाउचर क्या है वो भी बात करूँगा, साथ ही साथ क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को वो भी मैं बताऊँगा। पहले आइए देखते हैं फ्लैट कैसा है इसका और कितने माले का टावर, एलिवेशन, एमिनिटीज क्या है, वो सब समझते हैं दोस्तों। मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ रूमावाली बाय पुरानिक डेवलपर। घोड़बंदर में ये बना हुआ है। अभी मैं जो फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है। इस ये अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया नो कारपेट दे रहे हैं ये 550 स्क्वायर फुट के आसपास, और ये आपको व्यू मिलता है यहाँ से। विंडो के साइड से हॉल का व्यू दे रहा हूँ। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे इसका किचन है। हॉल में और किचन में बालकनी दिया हुआ है। यहाँ वॉशिंग मशीन के हिसाब से इन्होंने जगह दिया है। किचन का बालकनी है ये। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन वॉशरूम, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम में। ये मैं आपको कॉमन वॉशरूम है इसका। कॉमन वॉशरूम में भी एक अलग से जगह दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका कॉमन बेडरूम है। रूमावाली में हमारे पास कुछ रीसेल में भी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये तो खैर बिल्डर का दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये फ्लैट दिखाने के बाद मैं प्राइजिंग साइजिंग की बात करूँगा। यार इतना बढ़िया प्राइस है ना इनका, कि हर तरह का लोग यहाँ पे ले सकते हैं प्रॉपर्टी। इतना सही प्राइजिंग में ये आपको दे रहे हैं फ्लैट। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। और काम में इनका कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। साथ ही साथ इतने छोटे प्राइस के बजट में ना आपको एमिनिटीज़ बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर स्टैंड अलोन टावर में ही आपको मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या, इनकी जो स्ट्रेंथ है इस कॉम्प्लेक्स का क्या है, यहाँ पे आपको छज्जा मिल जाता है। स्ट्रेंथ ये है कि ये छोटे सेगमेंट, यानी कि ये फ्लैट 1 BHK 2 BHK के साथ में भी यहाँ का प्राइजिंग अभी भी आगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेगमेंट में भी अगर ये क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिमनासियम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वही इनका टारगेट है ना, कि कस्टमर को हर मामले में हैप्पी रखना है इनको, वो हिसाब से ये बना रहे हैं दोस्तों। अभी मैं फ्लैट तो आपको बता दिया, आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसका एमिनिटीज़ वगैरह। अभी मैं आपको पुरानिक रूमावाली का हायर फ्लोर से फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा जो मैं पहले वाला फ्लैट दिखाया था उससे एक 30-40 स्क्वायर फुट का फ़र्क है। अभी देखते हैं कि इसका व्यू कितना खूबसूरत आता है। रिवर का व्यू आ रहा है, वो मैं आपको अभी बालकनी में जाके दिखाऊंगा, तब एग्जैक्ट पता चलेगा। बहुत ही नेचुरल इसका व्यू है, कोई आर्टिफिशियल व्यू नहीं है।
है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं बालकनी दिखा दूँ आपको। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है, थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये रिवर का व्यू, सामने लोधा स्प्लेंडूरा है ये, प्रॉपर दिया हुआ है, एक छोटा डाइनिंग का भी एरिया दिया हुआ है। अभी आगे चलते हैं, किचन मास्टर बेडरूम देखते हैं। इसमें इन्होंने अभी ओपन किचन का कंसेप्ट रखा है, और किचन का भी स्पेस आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, पूरे बेडरूम से तो बड़ा इसका किचन लगभग है। किचन में भी एक बाहर छोटा बालकनी दिया है इन्होंने, और सेम वही व्यू आपको मिलने वाला है। और यहाँ से आपको किचन का कंसेप्ट मिल रहा है, और किचन के जस्ट सामने ही आपको कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। कॉमन वॉशरूम भी कुछ लोग इसको गेस्ट वॉशरूम भी बोलते हैं, सब लोग अलग अलग है, बट ये कॉमन वॉशरूम ज़्यादातर बोला जाता है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज पुरानी वाले यूज़ कर जाते हैं, सालों से काम कर रहे हैं, इनका अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। और रूमा वाली तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जब ये बन रहा है, मैं आपको ना दोस्तों इसमें प्राइजिंग काफ़ी अच्छा करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारा गोल्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। ज़्यादातर जो होता है ना, जब बिल्डर से आप जाते हैं ना लेने के लिए और आपको पता नहीं होता है ना, तो आप अच्छे खासे कोई भी डेवलपर हो, मैं पर्टिकुलर किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी डेवलपर हो, प्राइजिंग का अगर आपको आइडिया ना हो ना, तो आप अच्छा खासा प्राइज आप कट जाते हैं। तो इन चीज़ों में ध्यान रखें कि जो एक प्रॉपर जानकार आदमी हो ना, उसके साथ जाके काम करें आप। मैं मास्टर बेडरूम लेके चलता हूँ, ये तो मैंने आपको कॉमन बेडरूम दिखाया है। मास्टर बेडरूम इन द सेंस, इसमें एक अटैच्ड वॉशरूम भी है, कुछ लोग इसको अलग 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 बेडरूम के नाम से जानते हैं, बट ये समझ लें कि कॉमन बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता, और मास्टर बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम होता है। अभी मैं लेके चलता हूँ अंदर का बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम का भी बहुत बढ़िया साइज है, सामने आपको कबर्ड का स्पेस मिल रहा है वार्डरोब का। सज्जा मिल रहा है, और बेडरूम से भी आप इसको फ्रेंच विंडो कर देते हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा व्यू बहुत खूबसूरत मिलता है, है ना। फिर से लेके आ रहा हूँ अंदर, अंदर से ये इसका वार्डरोब का जगह है, कबाड़ का जगह है। कबाड़ अगर अंदर बन जाता है ना, तो एक पूरा का पूरा बेडरूम आपको फ्री हो जाता है। 2 से 2.5 फुट इसका कबाड़ का स्पेस है वार्डरोब का। मैं बाहर अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ पूरे प्रॉपर्टी का, पूरे फ्लैट का। उसके बाद लेके चलता हूँ, और इन्होंने क्या रेडी जो इनका पैसेज है वो किस टाइप का है वो आप एक बार देख लें। ये इनका पैसेज है, और ये इसका स्टेयरकेस है। दो स्टेयरकेस तो अभी कंपलसरी हो गया हर एक डेवलपर को देना, तो उनको देना ही पड़ता है, अदरवाइज ओसी नहीं आता बिल्डिंग का। ये इसका पैसेज एरिया है पूरा का पूरा। तीन से चार लिफ्ट दिया हुआ है हर एक विंग में, हर एक फ्लोर पे। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा दूँ इसका, किस टाइप का बनाया है बिल्डर ने, क्योंकि एक बार बिल्डिंग का मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर सब चीज़ें आप देख लें। ये सिक्योरिटी कैबिन है, और यहाँ पे सिटिंग एरिया कुछ दिया हुआ है। मैं अंदर से इसका पैसेज दिखा देता हूँ किस टाइप का है। पैसेज देख लें इसका, और लिफ्ट एरिया, स्टेयरकेस एरिया, ये इसका स्टेयरकेस है। काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस इन्होंने रखा है एयर और वेंटिलेशन के लिए। इतना ओपन स्पेस बहुत रेयर प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है दोस्तों।
ये पूरा का पूरा एलिवेशन है इसका। पोडियम लेवल का जो है ना वो मैं दिखा रहा हूँ, पोडियम पे कितना फ्री स्पेस है इसका। आप देख सकते हैं ये 28-28 माले का टावर है ये पूरा। अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ पोडियम पार्किंग इसका किस टाइप का है। पोडियम में पोडियम पार्किंग इसका देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त स्पेसियस इन्होंने बनाया है, ताकि आप यहाँ से प्रॉपर देख पाएँ समझ पाएँ, इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपको। चार बाजू से इतना इन्होंने प्रोविज़न किया है कि फ्लैट के साथ में और कुछ आपको बाहर पार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पार्किंग खरीदते हैं तो ये इसका बेसमेंट प्लस दो लेवल तो इसका पोडियम पार्किंग है ही, इतना तो आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों। ये इसके कुछ बड़े साइज़ के जो एमिनिटीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर किड्स प्ले एरिया का सेटअप किया हुआ है बहुत ही बढ़िया। ये पूरा मस्त बनाया हुआ है और ग्रीनरी प्लांटेशन सिटिंग एरिया बच्चों के लिए इन्होंने ग्रीनरी डेवलप किया है पूरा का पूरा। मचानी टाइप का बनाया है जो चाइना और जापान की जो कंसेप्ट होते हैं। रूमा वाली जो जगह है दोस्तों ये वहीं का ही कंसेप्ट है जो ये लेके आए हैं। आपको मैं थोड़ा व्यू करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, आपको मैंने व्यू करके दिखाया है। और ये पूरे टावर हैं, मैं लेके चलता हूँ। इसके बाद कुछ ऊपर इन्होंने सिटिंग एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, मैं आपको लेके चलता हूँ उधर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटिंग के हिसाब से इन्होंने जो रूमा वाली का जो कंसेप्ट है ना, ये एक कंट्री है वो अब्रॉड का, वहाँ का कंसेप्ट है। और सामने आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ कोर्ट है ये। ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट है और ये इसका आप देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन है इसका। चारों साइड जो इन्होंने बिल्डिंग बनाया है ना, काफ़ी बढ़िया एक लुक आता है। आपको एक पॉश लोकेलिटी का यहाँ पे फील आता है। और दूसरी एक प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल पास में ही है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इधर, टर्फ इन्होंने बनाया है, ये इसका टर्फ एरिया है। इसके अंदर आप क्रिकेट का, फुटबॉल का, छोटा मोटा गेम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसका एम्पीथिएटर है, एम्पीथिएटर इन्होंने वैसा बनाया है कि छोटा मोटा अगर बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो तो उसके लिए एम्पीथिएटर सोसाइटीज़ में बहुत काम आता है। हमेशा ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि 200-300 लोग का प्रोग्राम रख के आराम से आप बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कोई फंक्शन वगैरह के लिए। इसका स्विमिंग पूल अभी पोजीशन फाइनली दिए नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने के बाद काफ़ी बढ़िया एक स्विमिंग पूल आपको मिलने वाला है यहाँ। जब अभी हार्डली इसमें कितने दिन में पोजीशन दे देंगे आप लोग? ये दिसंबर 2024 के पहले आते हैं। ये स्विमिंग पूल का ना, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस दोनों, स्विमिंग पूल 6-7 महीना और जाएगा। ये सामने आप देख रहे हैं क्लब हाउस का चल रहा है, ऊपर कुछ लोकेशन के ग्रिल में काम चल रहा है और ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल का काम चल रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया है, कैमरे में आपको इतना दिखा पा रहा हूँ, बाकी एक्चुअल तो आपको यहाँ पर आके ही समझ आएगा, एक बार विजिट करें तो प्रॉपर समझ आएगा। अभी जो मैंने दिखाया आपको पुरानी का रूमा वाली प्रोजेक्ट को, अब उसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। ये बिल्डर हैं पुरानी का डेवलपर, काफ़ी एक रेपुटेशन इनका, एक काफ़ी बढ़िया नाम है जो इन्होंने कई जगह पे बिल्डिंग डेवलप किया है, कहीं रेडी टू मूव, कहीं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। और सब जगह जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने काम किया है उनका अपने आप में एक नाम है, एक पहचान है। जैसे पुरानी ग्रैंड सेंट्रल, पुरानी टोक्यो बे, पुरानी सिटी रिजर्वा, पुरानी सिटी, पुरानी अल्डेवा, ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ पे आप पता कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को जानते हैं, इसमें लैंड एरिया करीबन 10 एकड़ का इसका लैंड एरिया है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। फ्री होल्ड लैंड है और 37 स्टोरी टावर है, 9 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस है। इसमें अलग अलग बिल्डिंग है और बिल्डिंग के हिसाब से है, मैं आपको जिस टावर को बेचना है उसकी बात कर रहा हूँ। ग्राउंड प्लस थर्ड फ्लोर इसका पोडियम पार्किंग है और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 4th माले से, 3rd माले पे
इसकी सारी एमिनिटीज़ है जो मैंने आपको दिखाया है, ऑलरेडी आपने देखा है। अगर रेरा में कुछ आप डिटेल जानना चाहते हैं, महारेरा के वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, P517000467। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप जा सकते हैं, महारेरा के वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं क्या इसका पासिंग हुआ है, कहाँ लोकेटेड है, कितना इसका कार्पेट एरिया मिला है, कितने फ्लोर का इसका परमिशन मिला है बनने के लिए, सीसी मिला है, वो सब कुछ जाके आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज एक बात तो दोस्तों आप जान ले कि कोई भी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने से पहले एक बार तो रेरा के वेबसाइट पे आप जाके जरूर देख लें, रेरा के वेबसाइट पे जाके देख लें, और ये भी देख लें कि 4-5 बैंकों से वो APF किया हुआ हो। APF यानी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर होता है, APF नंबर हो, तो ये जो बैंक अप्रूव्ड करती है ना लोन के लिए, और रेरा में अगर वो अपडेटेड है वेबसाइट पे, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो आप ये समझ जाए इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट का बिल्कुल टाइटल क्लियर है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ है, क्योंकि वो जो पैसा आप दे रहे हैं ना वो बिल्डर को नहीं मिल रहा है, वो जाता है रेरा के एस्क्रो अकाउंट में, वहां से कुछ हार्डली उनको 20-30% मनी ही यूज करने को मिलता है। तो जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। पहले के जो टाइम होता था वो अलग होता था, उस टाइम भी क्या होता था ना कि आप जो पैसा देते थे बिल्डर को वो पूरा का पूरा वो इस्तेमाल करते थे, तो वो ये प्रोजेक्ट ना बना के जिस प्रोजेक्ट के लिए आपसे पैसा लिया हुआ हो वो क्या करते थे, उस प्रोजेक्ट से दूसरा कोई लैंड खरीद लिया और वहां पे काम चालू कर देते थे, जिसके वजह से प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाता था। लेकिन अभी वो सब सिनेरियो खत्म हो चुका है, अभी आपका पूरा का पूरा पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है। तो अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड किया हुआ है, तो आप जरूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2026 में है और बिल्डर का पोजीशन इसका अगस्त 2026 में देने वाले हैं। यानी रेरा में परमिशन हमेशा आप देखेंगे कि 6 महीना साल भर एक्स्ट्रा बिल्डर लेके ही चलते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ कारण से 2-4 महीना आगे पीछे होता है, डिले होता है, तो उनको पेनाल्टी ना पे करना पड़े, इस वजह से हर एक बिल्डर का 6 महीना साल भर आगे पीछे आगे लेके ही चलते हैं। इसमें भी दिसंबर और अगस्त का फर्क आ रहा है, लगभग 3-4 महीने का फर्क आ रहा है। इसमें सिटी फेसिंग भी है, रिवर फेसिंग भी है, बैक साइड में देखें जो रिवर बना हुआ है, और संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू भी फ्लैट्स हैं इसमें। लोकैलिटी ज्यादातर इसमें कॉस्मो लोकैलिटी है, हिंदू वहाँ पे ज्यादा हैं, बाकी सभी लोकैलिटी हैं यहाँ पे। सीसी रिसीव्ड हो चुका है पूरे बिल्डिंग का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और कई बैंकों से अप्रूवल भी है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका बिजनेस अकाउंट हो, सर्विस अकाउंट हो, वहाँ पे इजिली आपको लोन मिल जाता है, जैसे SBI, LIC, एक्सिस, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK और 2 BHK, दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK में भी जोड़ी ऑप्शंस हैं, अगर आपकी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, और अगर आप रहते हैं तो 1 BHK का जोड़ी, 2 BHK का जोड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो डिपेंड, जब आप बुकिंग करने आएंगे तब पता चलेगा कि वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, अगर वो बिक गया होगा तो। अभी मैं साइजिंग और प्राइजिंग की बात करूं, 1 BHK का कारपेट एरिया इसमें आपको 341 square foot यानी 341 square foot का मिल रहा है, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 45-55 lakh के बीच में है, यानी 45-55 lakh के बीच में इसका प्राइस आएगा आपको। और 2 BHK का कारपेट एरिया 531 square foot, 548 square foot, यानी दो साइज में है, और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 76 lakh से लेके 1 crore के बीच में है, 70 lakh से लेके 1 crore के बीच में है। 2.5 BHK भी इसमें है, जिसका कारपेट एरिया 705 square foot है, और ये जो 705 square foot है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 90 lakh से लेके 1 crore के बीच में है। तो आपको जो मैं ये प्राइजिंग इस तरह से बता रहा हूँ ना टेंटेटिवली, इसका वजह ये है दोस्तों कि जब मैं फाइनल प्राइस दे देता हूँ अपने वीडियोस में, तो कई सारे बिल्डर से आर्ग्यूमेंट हो चुका है, पहले काफी सारे वीडियोस में मैंने डायरेक्ट प्राइस दे दिया था, तो अभी इस चीज को ध्यान में रख के मैंने आपको ऐसा एक प्राइस दिया है जिसमें आपको माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कितने में वहाँ पे फ्लैट आने वाला है। अब एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, उसमें हम बता देंगे आपको कि हमारा क्या प्राइजिंग एक्चुअली वहाँ पे क्या चल रहा है। और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना, हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, तो आपको कुछ भी डिटेल जानना हो प्रोजेक्ट के रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी बुक करना हो, तो आप हमारे दिए ऊपर दिए हुए नंबर पे जरूर फोन करें, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको प्रॉपर्टी दिलवाने में। दोस्तों हर एक प्रोजेक्ट में जब हम लोग बल्क में प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लेते हैं, तो उसमें हमारी ओर से जो डायरेक्टली बेनिफिट होता है 100-200 फ्लैट बेचने का बिल्डर की ओर से, उसका कुछ पार्ट हम अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, जिसमें कि इसमें जो गिफ्ट वाउचर है इसमें 1 BHK के ऊपर 20,000 का, 2 BHK के ऊपर 30,000 का, और 3 BHK के ऊपर जो 2.5 BHK मैंने बताया है उसमें 40,000 का हमारा स्ट्रेट गिफ्ट वाउचर है। और ये जो मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ अभी से लेके ये जब तक वो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट बन रहा है तब तक ये अप्लाई रहेगा। आप अगर प्रॉपर्टी बुक करते हैं हमारे थ्रू तो एक तो आपको हमारी टीम की सर्विसेज मिलेगी, साथ ही साथ बिल्डर से जब आप प्रॉपर्टी बुक करने जाते हैं ना तो आपको ये पता नहीं होता है कि वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, बॉटम प्राइस में हम आपको डील भी करवा के देंगे। तीसरा, हमारी ओर से जो गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है दोस्तों। तो ये चीजें, प्रॉफिट होता है जब आप एक रेप्यूटेड सीपी के साथ जाते हैं, एक बड़े सीपी के साथ जाते हैं बुकिंग करने के लिए। तो ये जो प्राइसिंग मैंने बताया है इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट टैक्सेस आपको आएगा। एमिनिटीज मैं आपको बता दूं, इसमें स्विमिंग पूल, कबाना, क्लब हाउस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, मेडिटेशन कोर्ट, ऑर्चिड गार्डन, ये सब यहाँ पे जो एमिनिटीज है वो मैंने बताया। वैसे तो काफी सारा एमिनिटीज है, बैंक्वेट हॉल वगैरह भी है, लेकिन मैंने एक बेसिक जो एमिनिटीज है वो मैंने बताया। अब यहाँ का ये जान लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आसपास में कनेक्टिविटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप घर लेंगे वहां तो डेली जो जीवन में यूज करने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है, जैसे स्कूल कॉलेज के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से 2 से 10 मिनट के अंदर आपको मूर्ति इंग्लिश हाई स्कूल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल प्री स्कूल, एवा वर्ल्ड स्कूल, एवा यूरो किड्स प्री स्कूल एंड लिटिल एंजल स्कूल, ये तो स्कूल मैंने बताया। कॉलेज में आरब मशाला जूनियर कॉलेज, सरस्वती विद्यालय, डीपीओएस नेट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डीप फार्मेसिकल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, रितिका मशाला कॉलेज, और रेस्टोरेंट इसमें हाइडवे रेस्टोरेंट, देसी वाइब्स फैमिली रेस्टोरेंट, डी थाने डेक रेस्टोरेंट, मिडनाइट ढाबा, खुशी बार एंड रेस्टोरेंट, ये सब कुछ आसपास के रेस्टोरेंट है। अगर आप सैटरडे संडे प्लान करते हैं तो हॉस्पिटल में इसमें चेतन मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, मंदिर में जिसमें शंकरेश्वर जैन मंदिर, शंकर मंदिर, घोरमल चर्च, आईपीसी एलियम चर्च, एल्विक गार्डन, टीएमसी गार्डन, फिर 10 से 30 मिनट के अंदर आप थाने रेलवे स्टेशन, थाने नगर पुलिस स्टेशन, थाने आरटीओ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तो आप जैसे प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं और आपको मेन रोड हाईवे पे ही इसका मेट्रो स्टेशन मिल जाता है आपको। मॉल में जैसे आप विवियाना मॉल, कौरव मॉल, आर मॉल थाने आप रीच कर जाते हैं। थिएटर में गोल्ड सिनेमा, वंदना सिनेमा, गणेश थिएटर, रिसोर्ट में जैसे साया ग्रांड क्लब एंड रिसोर्ट, रिवर साइड होटल एंड रिसोर्ट, पेसरी रिसोर्ट एंड सूरज वाटर पार्क, ये सब आसपास में ही वहाँ पे आपको पड़ता है। बीच में गोराई बीच, वसई बीच, मारवे बीच, 1 घंटे के अंदर आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डी मार्ट, बीएमसी मार्केट, मीरा मार्केट और मुंबई के जो बड़े कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं जिसमें जो मुंबई से बाहर हैं उनके लिए समझ लें कानेरी गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव्स, वाटर किंगडम, हाजी अली दरगाह, हैंगिंग गार्डन, ग्लोबल विपासना, पैगोडा, ताज होटल, ये सब जो आसपास की चीजें हैं वो मैंने बताया कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लेते हैं ना तो आपको आसपास में कनेक्टिविटी क्या मिलती है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। आगे आप हमारे सर्विसेज के बारे में समझ लें कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को कैसे सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ होम लोन का भी काम हम लोग करते हैं। होम लोन में भी अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उसमें भी होम लोन कराने में भी हम लोग पूरी आपकी मदद करते हैं दोस्तों। कि न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझ लें पहले। आप ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, जोड़ी या उनसे 4 फ्लैट खरीद सकते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में। जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर, छोटे सीपीज के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफर मिलता है वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीज को मिलता है। आप हमारे थ्रू फ़ोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट श्योर एंड शॉर्ट हम करवा के देंगे दोस्तों। कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास, डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस सीपी से कनेक्टेड हैं उस सीपी को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी सीपी या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेकर जरूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम सीपी या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी 2 टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है
और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है, तो आप अगर सीपीएस के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पर 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी न किसी को लेके जाएं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पे चल रहा है। अभी हमारे सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। अब मेरे पर्सन आएंगे, सारा काम आपको घर बैठे करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है, ऐसा हमने काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फ़ायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है, तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता, ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं। अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पर डालूँ, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सकें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप उसमें फ़ायदा कमा सकें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सअप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में, 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है। जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब दोस्तों, फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना, फिर हम आपको ये प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजिशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स अगली वीडियो में आऊँगा, फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।